हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? आई होप सब ठीक होंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फिफ्थ क्लास का और सिक्स्थ क्लास का एवरेज। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो रहेगा एवरेज पे। ठीक है बेटा, बड़ी क्लासेस में इस एवरेज को बेटा मीन भी बोल दिया जाता है, मीन। तो हमें अभी एवरेज समझना है कि एवरेज होता क्या है। तो बेटा देखिएगा, हमें कुछ नंबर्स गिवन होते हैं। लाइक टेक एन एग्जांपल, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 5, 6, 4, 3, 5, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 2 and 3। ओके, तो बेटा जब भी मैं इन सभी नंबर्स का क्या निकालूंगा, एवरेज। एवरेज एवरेज मींस होता है औसत, हिंदी में बोलते हैं इसको औसत। एवरेज का मतलब होता है बेटा कि हमें क्या काम करना है, जितने भी ये नंबर्स है ना, इनके बीच में कुछ एक ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो सभी नंबर्स के करीब हो। सभी नंबर्स से उनका गैप देखा जाए, छोटे नंबर से और बड़े नंबर से, तो उनका गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको एक इस एग्जांपल के थ्रू हम फॉर्मूले पे जाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि हमें इन सभी नंबर्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्या कर देना है, प्लस। जैसे मैंने ये सभी नंबर्स को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, और जितने भी ये नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स की हम काउंटिंग कर रहे थे। कितने नंबर्स है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 1 और ले लेते हैं 4। तो मेरे पास ये कितने नंबर्स हो गए, अब 10 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो 10 से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड। क्या कर दूंगा, डिवाइड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वालों का सबका सम 5, 6, 11, 15, 15, 5, 25, 25 and this 10, 35। तो आंसर आ गया मेरा 35/10, जिसको मैं डेसिमल की फॉर्म में निकाल सकता हूँ। मैंने आप सबको डेसिमल की फॉर्म में निकालना सिखा रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.5। तो यहां से बेटा हमारा एक फॉर्मूला जेनरेट हो गया, क्या कि जो हमारी एवरेज होती है ना, एवरेज वो क्या होती है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो देखो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है, कि मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या क्या थी, 5, 6, 4, 3, 5, 2, 1, 2, 3, 4, ये सभी मेरे पास क्या थी, ऑब्जर्वेशंस थी। अब मैंने इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम किया है, तो मैंने लिख दिया सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड अपॉन में क्या था, ये जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है इनकी काउंटिंग की मैंने, कि ये 10 ऑब्जर्वेशंस है तो अपॉन में 10, तो इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बताइए ये बात समझ आई आप सबको या नहीं आई, आ गई? ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे हम सीखते हैं कि क्या नाम है, कि दोबारा से हम एक बार प्रैक्टिस में हो जाएंगे कि एवरेज कैसे निकालना। ठीक है, तो ओके इसको उतारिएगा। अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा। ठीक है, ये मैंने एक अगला एग्जांपल लिख दिया है। अभी हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ओके, अपॉन में क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो यहां देखो 6
प्लस 8 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सब का सम करो 6 और 8 14 10 24 24 5 29 29 और 6 35 35 9 43 46 48 48 और 9 57 अपॉन 10। अब यहां से डेसिमल की फॉर्म में तो मैंने बताया था कि जितनी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं उतने डेसिमल प्लेसेस हो जाते हैं, तो यहां पे 10 है तो 1 के बाद क्या आ जाएगा आपका डेसिमल, तो हमारा जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा 5.7। ओके तो आई होप यहां तक आप सब लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और क्या नाम है मेरा डिस्क्रिप्शन में है ना नंबर मिल जाएगा आपको, आप वहां से व्हाट्सएप करके और मेरे को अपने क्या नाम है डाउट्स वगैरह आप शेयर कर सकते हैं, मैं फिर उन डाउटों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब आगे इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे आपके फ्रेंड्स को भी क्या हो जाए हेल्प मिल जाए। ओके ओके गाइस बाय।